शहर में आंतरधर्मीय लग्न नो करुण अंजाम आव्यो हतो। विधर्मी युवती साथे हिंदू युवक ने लग्न करवा भारे पड़ा था। साड़ाए गौमांस खवरावता युवके फांसो ले आपघात कर्याना परिवार आरोप बाद पोलिस फरियाद नोंधाई हती। शहर में विधर्मी युवती साथे एक हिंदू युवा ने लग्न करी पोतानु जीवन निर्वाह चलावतो हतो। परिवार थी अलग रहते युवान रोहित सिंह गड़े फांसो खाई लई अने आपघात करी लेता चकचार मची जवा पामी हती। जयरे रोहित ना साड़ाए तेने गौमांस खवड़ावी दीधा ना परिवार आरोप मुक्या हता। मामला पूरा हम लोगों को मालूम नहीं है, मालूम पड़ा ये फेसबुक से मालूम पड़ा थे हुआ कि भाई ये मुसलमान लड़की के साथ में था, इसलिए हम लोग उसको निगलेक्ट कर दिए थे, उससे कोई वास्ता खास नहीं रखते थे। लेकिन जब बाद में गांव से उसके भाई से पता लगा कि ऐसा ऐसा हो गया है, तब हम लोग उसको सीरियस में लिए। सीरियस में लेकर के फिर उसको ढूंढना चालू किए, पहले काम कहाँ किया था, इससे किससे अफेयर था, क्या था, तब ढूंढना चालू किए। तो उससे हम लोगों को जानकारी मिली कि इस मिल में काम करता था शैलेश डाइन में, पहले शुरू में काम किया था, वहाँ पर लड़की भी की थी। वहाँ से जब हम लोगों को पता चला, तब फिर बाद में 12 बजे फिर वापस गए, फिर सुबह गए तो वहाँ से कुछ पता मिला। तो उसके बाद फिर पटेल नगर में पता लगा कि ये लोग रहते थे, तो वहाँ जा कर के हम लोग वहाँ से जो कागज़ पत्तर मिला वो ले कर के फिर वापस आए हैं। तो टोटल मुसलमान की बस्ती थी। आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते साहब, इंसाफ गवर्नमेंट से भी और मीडिया कर्मी से भी और जो इसमें हिंदू संघ के हैं उनसे भी। सबसे अनुरोध है कि हमको इस मामले में हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा लड़का रोहित गांव को मांस खिला दी थी सोनम और उसका भय अब तक इसीलिए वो खत्म हो गए, उनको इंसाफ दिला दीजिए। आपको कैसा मालूम पड़ा था आपके लड़के का शरीर? मुझे भी 2-4 दिन पहले पता चला। मेरा जीने का सारा वही था, अब उसके बिना कोई नहीं रहेगा। क्या चाहते हो? मुझे इंसाफ चाहिए। कौन थे जो सामने वाले जिन्हें गोमांस किया? अत्तप और सोनम। आपने फिर आगे क्या किया? मैंने कानून केस लिखा है। क्या नहीं चाहता? इंसाफ चाहिए मुझे। प्रेम लग्न कर्या बाद निभावू जो भारे पड़े छे ते बात साची ठहरता। रोहित सिंह परिवार थी अलग रहतो हतो। जारे परिवारे रोहित ना मौत ना मामले केटलाक आरोप मुक्या हता अने रोहित सिंह ना मौत ने लई केटलीक आशंका व्यक्त करी हती। देखिए ये घटना है 2 महीना पहले की, 2 महीने पहले की ये घटना है और हम लोगों को ये मालूम चला 5-6 दिन पहले। गांव में इसका छोटा भाई है, उसके पास इसके साथ काम करने वाले ने फोन किया और उसको बताया भाई तुम्हारे भाई के साथ कुछ हो गया है। तो हम लोग फिर उसका पता करने लगे। पता करने में फिर हम मतलब चारों तरफ दौड़े, पता किए, फिर पता लगा धीमे धीमे उसके मिल में गए, यहाँ वहाँ से पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, उसने फांसी खा लिया है। और ये उसने अपने फेसबुक पे लोड कर दिया था, उसका फेसबुक जो है खोल करके आप देखेंगे राजपूत रोहित सिंह का, तो उसमें सब उसने लोड कर दिया था कि उसके साथ जो भी घटना हुआ, उसकी जो साथ में रहती थी लड़की सोनम और उसका तो भाई था अख्तर अली, तीन लोगों ने उसको गौ मांस खिला दिया था। तो उससे वो आहत हो गया था, वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। मेंटली डिस्टर्ब होने के बाद उसने अपने साथ ये सब लोड करके और वो तुरंत मतलब 2:45 पे उसने जो है ये अपलोड किया है और 3:30 तक तो वहाँ वो अपना हत्या कर लिया था। मुझे जानकारी मिली जब वहाँ सब जा करके हमने पता किया तो उसके मकान मालिक से भी बात किया तो उसने हमको बताया भाई ऐसा ऐसा हुआ था, उस मकान मालिक ने दाह संस्कार भी कर दिया था उसने ही। और वो जो लेडीज थी उसने अपना नाम वहाँ उस पर लिखवाया था, लाश लेने के लिए रोशनी,
वो सब भी हमको पता चला। फिर हम वहाँ गए जो है, सब उसका कागज पत्र सब लेकर के आए, हमारे पास सब एविडेंस है। फिर हम पुलिस के पास गए तो पुलिस से बात किया तो उन्होंने आगे का कार्रवाई का हमको आश्वासन दिया और वो अपने हिसाब से आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। चूंकि विदर्भ में युवती साथ हिंदू युवक रोहित सिंह ना परिवारों तना मौत ना पगले केटलाक आरोप साथ तटस्थ पुलिस तपास की मांगनी करवामां आवी हती। चेहरे रोहित सिंह नु मौत केवी रीते थयुं ते दिशा में पुलिस तपास शुरू करी हती। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंटिप न्यूज, सूरत।